जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन महती समस्या अस्ति एषा राजनीति हि अपराधीकरणम् सर्वोच्च न्यायालयेन प्रकटिता महती चिन्ता अस्मिन् विषये नियन्त्रणं भवेत् भारतीय निर्वाचन आयोगः अपि कठोरः अस्ति कठोर निर्देशः सन्ति आपराधिक प्रकरण सम्बद्धं विवरणं प्रदातुम् निर्वाचनायोगस्य घोषणा जाता राजनैतिकदलानि सज्जतायां व्यस्तानि प्राज्ञः मतदाता भवतु स्वीयः प्रत्याशी ज्ञातव्यः कलंकित छवि युक्त प्रत्याशिनां सम्यक् अन्वेषणं कुर्वन्तु सुविज्ञाय सुविचिन्त्य मतदानं कुर्वन्तु सम्यक् एव चिनोतु हे सूत्रधार किं जातम् त्वं बहु गभीरः दृश्यसि अरे उन्नते भवती आगता अहं केवलं अद्यतन विषये गांभीर्यपूर्वकं चिन्तयन् आसम् कृपया अस्माकं श्रोतॄनपि कथयतु यत् कः विषयः ईदृशः भवती अवश्यमेव श्रुतवती खलु निर्वाचने प्रतिस्पर्धमानानां अभ्यर्थीनां राजनैतिकदलानां च प्रत्याशिनां यदि कोऽपि आपराधिकः अभिलेखः भवति चेत् सम्पूर्णसूचना सार्वजनिकी कर्तव्या भवति एवं तथा च एषा सूचना समीचीनतया सुगमतया च मतदातॄन् प्राप्नुयात् एतदर्थं भारतीय निर्वाचनायोगेन अतीव स्पष्टतया कठोरतया च मार्गदर्शिकाः प्रसारिताः सन्ति सत्यमुक्तं भवत्या अभ्यर्थिभिः राजनैतिकदलानां प्रत्याशिभिः च स्वशिक्षायाः सम्पत्तेश्च विवरणं नामाङ्कनप्रपूरणस्य समये प्रदातव्यम् अनेन सहैव आपराधिक अभिलेखस्यापि पूर्णं विवरणं भारतीय निर्वाचनायोगाय दातव्यं भवति सम्यक् तथा च भारतीय निर्वाचनायोगः एतां सूचनां स्वीय अन्तर्जालफलके अर्थात् वेबसाइट मध्ये अथवा पोर्टल अर्थात् अन्तर्जालफलकान्तर्गत सम्पुटके मतदातॄणां संज्ञानाय उपलभ्यते आम् येन मतदाता सुविज्ञः मतदाता भवेत् स्वस्य प्रत्याशिनः विषये भूतवर्तमानयोः सम्पूर्णसूचनायाः आधारेण मतदातारः चिन्तन विचार पूर्वकं मतदानं कुर्युः आम् अवश्यम् अस्माभिः प्राज्ञः भाव्यः अपि च एकः जागरूकः मतदाता भूत्वा मतम् अवश्यमेव करणीयम् एतस्मिन् विषये एतद् गीतं शृणुमः जानकारियां कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है मत का मोल नहीं गया कोई ये तो बस अनमोल है हम भारत के मतदाता देश हमारी शान हम भारत के मतदाता देश हमारी उत्तमम गीतम अतीव उत्साह वर्धकम अस्ति सर्वथा ही उत्तमम अस्ति तथा च यथा वयम् अधुना वार्तां कुर्मः प्रत्याशिनाम् आपराधिक पृष्ठभूमि विषये अस्माभिः सर्वदा एव परीक्षितव्यं यत् प्रत्याशिनः कस्मिन्नपि प्रकरणे दण्डिताः न वा अथवा सः आरोपितस्तु नास्ति सम्यक् वार्ता एषा सर्वा सूचना उच्यते क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स इति अद्य च एते जनाः ये प्रातः भ्रमणार्थम् उद्यानम् आगतवन्तः ते अपि तथैव चर्चां कुर्वन्तः सन्ति सत्यम् अपि च इमं युवकं चन्दनं कथयन्ति आवामपि शृण्वः तेषां वचनानि अवश्यम् सुप्रभातम् चोपड़ा महोदये महोदय अद्य पदयात्रा क्षिप्रम अभवत् सुप्रभातम् चंदन का विशेषवार्ता प्रकाशिता यद् भवन्तौ गभीरौ दृश्यते अरे पुत्र निर्वाचनस्य समयः अस्ति निर्वाचनस्य विषयमधिकृत्य प्रत्याशिनां विषये वार्ताः आगच्छत्यः सन्ति पश्य इदम् अभ्यर्थिनाम् आपराधिक अभिलेखानां सम्पूर्णं विवरणं प्रकाशितम् अस्ति सत्यं वा अभ्यर्थिनां विषये एतादृशी सूचना अपि समाचारादिषु दीयते अवश्यं दीयते चंदन महोदय एतत् उच्यते क्रिमिनल एंटीसिडेंट आपराधिक पृष्ठभूमिः अर्थात् अभ्यर्थीनाम् आपराधिक अभिलेखः इति साधु उक्तवती जस्मिन सुप्रभातम् महोदया सुप्रभातम् जस्मिन जस्मिन भवती बहुविधं ज्ञानम् अस्ति कृपया तस्मिन् विषये किञ्चित् अधिकं विवरणं वदतु
अवश्यं राजनीति तु ममापि प्रियः विषयः अस्ति। अथ चोपड़ा महोदया तु राजनीति विषयस्य अध्यापिका एव अस्ति। पश्यन्तु बालकः, अस्मिन् समये अस्माकं निर्वाचन क्षेत्रे पञ्च अभ्यर्थिनः उत्थितः सन्ति, तथा च अस्माभिः तेषां विषये अवश्यं ज्ञातव्यम्, अपि च द्रष्टव्यं यत् तेषां कापि आपराधिक पृष्ठभूमि तु नास्ति, येन वयं सम्यक् अभ्यर्थिने मतदानस्य निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। सर्वथा समुचितमेव वदति। सर्वोच्च न्यायालयेन अनिवार्यं कृतं यत् आपराधिक वृत्तान्तयुतानां अभ्यर्थिनां सर्वाणि विवरणानि वार्तापत्रेषु, दूरदर्शनवाहिनीषु, सामाजिकप्रसारणमाध्यमेषु प्रकाशितव्यानि, प्रसारितव्यानि च। अपि च चन्दन एवं जैस्मिन्, पश्यताम्, एषा सूचना नामांकन प्रत्यावृत्ति दिनांकात् आरभ्य विभिन्नेषु दिनांकेषु दूरदर्शन पत्रिकासु त्रिवारं दातव्या। अपि च यदि किमपि राजनीतिकदलं निर्वाचनं कर्तुम् अभ्यर्थिने अनुमतिपत्रं प्रयच्छति यस्य आपराधिकः अभिलेखः अस्ति, तर्हि तस्य कारणं निर्वाचन आयोगेन वक्तव्यं भवति। किमर्थं कस्यापि आपराधिक प्रकरणस्य विना अभ्यर्थिनः चयनं कर्तुं न शक्यते स्म। अतीव सूचनाप्रदः, अत एव अद्य एतानि विवरणानि पत्रे प्रकाशितानि। सम्यक्। यथा अस्मान् मतदातॄन् यावत् सूचना एषा प्राप्नुयात्, तथा च वयं नैतिकं सूचितं च मतदानं जानन् अवगच्छन् च समीचीनं चयनं करवाम। साधु जैस्मिन्, अस्य उद्देश्यमेव योग्यस्य अभ्यर्थिनः चयनमस्ति। एषा तु अतीव उत्तमा वार्ता अस्ति। सर्वथा चन्दन, त्वं केवाईसी ऐप विषये जानासि? आम्, श्रुतं, किन्तु जानामि न महोदया, किमस्ति इदं? महोदये, अहं जानामि अस्मिन् विषये। आम्, तव तु सर्वं ज्ञानम् अस्ति। हा, अधुना कृपया ब्रूहि यत् किम् अस्ति एतत् ऐप। अहं कथयामि, एतत् भारतीय निर्वाचन आयोगस्य एकं चलदूरभाषीयम् ऐप इति अस्ति। एवं वा? तस्य नाम नो योर कैंडिडेट इति, अर्थात् तव प्रत्याशिनं जानीहि। अपि च भवान् एतत् ऐप सरलतया डाउनलोड कर्तुं शक्नोति। एतत् ऐप एंड्रॉइड तथा iOS इत्योभयो प्लेटफॉर्म इत्यत स्थात्रे उपलभ्यते। एवं च अस्य ऐप माध्यमेन प्रत्याशिनां विषये सूचनावगमनम् अधिक सरलं जातम्। नो योर कैंडिडेट KYC ऐप इत्यस्य सहायेन स्वक्षेत्रस्य अभ्यर्थिनां शैक्षणिकस्य सम्पत्तेश्च विवरणेन सह अभ्यर्थिनां कीदृशोपि आपराधिक अभिलेखः, यथा सः अभियुक्तः अस्ति वा पूर्वम् आरोपितः आसीत् वा, किं सः केनापि अपराधेन दण्डितः, एताः सर्वाः सूचनाः सुलभतया प्राप्तुं शक्यन्ते। अहो वाह, एषः महत्याः पारदर्शितायाः विषयः अस्ति। सत्यमुक्तम्, एतत् सर्वमेतदर्थमस्ति येन वयं प्राज्ञः मतदातारः भवेम, अस्माकं निर्वाचनक्षेत्रस्य अभ्यर्थिनां पृष्ठभूमिं परीक्ष्य एव मतदानं करवाम। सम्यक् महोदया, वयं सज्जगः चतुरश्च मतदातारः भूत्वा एव स्वीयं निर्णयं करिष्यामः, मतदानं च अवश्यं करिष्यामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। अहमधुना नो योर कैंडिडेट ऐप इति सम्पुटकं डाउनलोड अवारोपणं करोमि, तथा च स्वस्य मित्राणि वदामि। अतीव सोहनम्। धन्यवादः, बहु सम्यक्। तर्हि श्रुतम्? आम्। चन्दनेन तु KYC ऐप सम्पुटकं अवारोपणं कृतम्। अधुना सः स्वस्य अभ्यर्थिनः विषये सम्पूर्णां सूचनां प्राप्स्यति। किं भवद्भिः एतत् ऐप डाउनलोड कृतम् अथवा न? यदि न कृतं तर्हि इदानीं कुर्वन्तु। होगी उन्नति तभी देश की प्रतिनिधियों के चुनेंगे जब। मतदाताओं घर से निकलो, नवयुग का निर्माण करो, मतदान करो, मतदान। मित्राणि, अभ्यर्थिभिः प्रत्याशिभिश्च सम्बद्धाः प्रत्येकमपि सूचनाः मतदातॄन् यावत् सुगमतया प्राप्नुयुः, तदर्थं भारतीय निर्वाचनायोगः प्रयासरतः अस्ति। अत एव
केवाईसी ऐप तथा कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल अर्थात अभ्यर्थी शपथ पत्र पोर्टल द्वारा निर्वाचनार्थम आवेदनम कुर्वताम अभ्यर्थीनाम संपूर्णम विवरणम यत्र तेषां सर्वेषां आपराधिक प्रकरणानाम अभिलेखः अपि भवति तत्र तेषां छायाचित्रेण शपथ पत्रेण च सार्वजनिकं क्रियते। आम, नामांकन समये अभ्यर्थिनः यत् शपथपत्रं रिटर्निंग ऑफिसर इत्येतस्मै ददति तत् पोर्टल मध्ये अपलोड भवति येन कोऽपि नागरिकः तत् ऑनलाइन रूपेण द्रष्टुं डाउनलोड च कर्तुं शक्नोति। मित्राणि, मध्य प्रदेशस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी श्री अनुपम रंजनः अपि अद्य एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन् अस्ति। आगम्यन्ताम् श्रूयन्ताम्। देखिए, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रचलित है या आपराधिक प्रकरण में उनको सजा हुई है तो सारे डिटेल्स वो अपने एफिडेविट में देते हैं। जो शपथ पत्र जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसके साथ आयोग द्वारा निर्धारित एक शपथ पत्र है जिसमें आप तमाम जानकारियां देते हैं। यदि कैंडिडेट के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है या निर्णय हुआ है जिसमें उसको सजा हुई है तो उसका पूरा विवरण होता है और वो हम जन मतलब वो सारा एफिडेविट जो है वो अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर ताकि आदमी जान सके, जो मतदाता है उसे पता हो कि जो कैंडिडेट हैं उसके बारे में उसको विस्तृत जानकारी मिल जाए। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है और कैंडिडेट करते भी हैं, निर्देश हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में वो 3 बार इस तरह का वक्तव्य या इस तरह की विज्ञप्ति देंगे जिससे स्पष्ट हो कि उनके विरुद्ध कौन कौन से प्रकरण आज की तारीख में चल रहे हैं या किन किन प्रकरण लंबित हैं या उनमें क्या सजा हुई है। तो ये एक तरह से आपराधिक प्रकरणों की जानकारी शपथ पत्र में देना और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में देना आयोग के निर्देशानुसार उनके लिए अनिवार्य किया गया। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान, जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनो में ना हो कोई को, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टो। जब निकलोगे और दोगे अपना वो, जब निकलोगे और दोगे अपना वो। मित्राणी, नैतिकस्य सूचना प्लावितस्य च मतदानस्य विषयः भवतु, स्मार्ट मतदातृ विषयकः भवतु अथवा प्रत्याशिनाम आपराधिक अभिलेखानां विषये अभिज्ञानस्य वा भवतु, मतदाता जंक्शन इत्यस्य माध्यमेन वयं भवद्भ्यः सर्वाः सूचनाः प्रापयामः। अस्माकं राष्ट्रियादर्शः भारतरत्नेन सम्मानितः सचिन तेंदुलकरः अपि भवतः स्वकर्तव्यं स्मारयति। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। श्रोतारः, अधुना समयः आगतः भवन्तम् अद्यतन प्रश्नं प्रष्टुम्। भवन्तः स्वीयमुत्तरं स्वस्य पूर्णनाम्ना संकेतेन च सह आगामि सोमवासरपर्यन्तम् अस्माकं व्हाट्सएप संख्यायां प्रेषयन्तु। अथ अस्माकं व्हाट्सएप संख्या अस्ति 9999031950। विजेतुः नाम मतदाता जंक्शन कार्यक्रमस्य आगामिनि संस्करणे प्रकाशयिष्यति तथा च विजेत्रे भारतीय निर्वाचनायोग पक्षतः प्रमाणपत्रं पुरस्कारः च प्रदत्ते संकेते प्रेषयिष्यते। अथ अद्यतनः प्रश्नः अस्ति, अभ्यर्थिभिः वा राजनैतिकदलानां प्रत्याशिभिः वा सम्बद्धे आपराधिक अभिलेखानां विषये यत् मोबाइल ऐप सूचनां ददाति तस्य नाम किम्। गतसंस्करणस्य विजेता अस्ति पश्चिम बंगालतः प्रदीप शिलः। समीचीनम् उत्तरं च अस्ति सी विजिल ऐप। प्रदीप, भवते बहु अभिनन्दनम्। अधुना इतः प्रस्थानस्य समयः आगतः। अस्मिन्नेव दिने अस्मिन्नेव समये पुनः मेलिष्यामः। नमस्कारः। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन है। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन है।